132 एक्शन। आप जबरदस्ती नहीं, एक ही चीज रखना चाहती हैं। हाँ, मैं रट के आई हूँ ना। आप इधर उधर की बात मत कीजिए। कि मैं रट के आई हूँ। किसानों को आतंकवादी ये लोग कर रहे हैं, सवाल जवाब दे दीजिए कि क्यों किसानों का आतंकवादी ये कर रहे हैं, सवाल मुझसे पूछे। आपने आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन चल रहा है, इनके आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। उस कानून से इत्तेफाक नहीं रखते थे तो आपने ऐसा क्यों किया? अरे उन्होंने कोई गोल लिसन आप... एक सेकंड संजय जी, आप मुझे सर्टिफिकेट, मैं मोदी की नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपको सवाल का जवाब देना नहीं आ रहा है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? आपकी हिम्मत नहीं कह रही हूँ पूछने की। मैं कह ही आप अडानी के गुलाम सरकार से पूछने को कह ही नहीं रही हूँ। अगर ये काला कानून है तो आपकी सरकार ने इसको नोटिफाई क्यों किया? आपको डर लग रहा है क्योंकि मैंने आपकी वहाँ नस दबाई है जो कमजोर है। अगर ये काला कानून था संजय सिंह साहब, मोदी के हिसाब से चल रही है, क्यों मोदी के लिए चैनल चला रही है? तो क्या आप मोदी के मोदी के लिए चल चैनल चला रही हैं? क्या आपने उसे नोटिफाई कर दिया? आप मोदी के लिए चैनल चला रही हैं? नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? ये नवरात्रि उतना कठिन नहीं होता है जितना मेरा सितंबर अक्टूबर वाला होता है, लेकिन मैं जमा लूंगा मामला। कुछ नहीं खाते हैं नवरात्रि में, पूरी तरह उपवास करते हैं? जी नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे कि इसमें आपको कम थकान होती है? इसमें कुछ मतलब उसमें क्या ज्यादा कठिन तपस्या होती है, इसमें कम होती है व्रत की? मैं पपीते के सिवा किसी चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ, तो कैसे एक चीज तय करता हूँ और उसके आधार पर फिर मैं चलता हूँ। अभी आपने तय कर लिया है? वो करूंगा मैं, और वो भी कोई पब्लिक का विषय नहीं होता है। इंसान को मुनाफिकत नहीं करनी, ओरिजिनल होना चाहिए। तुम लोग झूठे हो, आम जिंदगी में मैंने आपको देखा रिकॉर्डिंग पर, किस कदर गरम गलो बदतमीजी बेहूदगी। यहाँ के मौजूद हम ऐसे नहीं, जो है वो है। आप अडानी के लिए सब चैनल चला रही हैं। मुझे आप सर्टिफिकेट अडानी के गुलामों के साथ आप लोग मिल रही हैं। अडानी अडानी के गुलामों से आप लोग मिल रही हैं। अभी थोड़ा सा साइड में कर लीजिए, अपनी गुलामी को साइड में कर लीजिए। अगर ये बिल अडानी के गुलामों के सामने आप लोग किसानों को आत्महत्या के लिए विवश करने के लिए बनाया, तो आपकी सरकार ने बिल को नोटिफाई क्यों किया? संजय सिंह साहब आतंकवादी कहने वालों से सवाल नहीं पूछे, डर रहे हैं, खालिस्तानी कहने वालों से हिम्मत समझ नहीं आ रहा है? आपकी हिम्मत नहीं है, बाप रे, काला कानून, हिम्मत नहीं है। इसको हमने नोटिफाई कर दिया, क्या दो रूपए का लियाकत को बिका हुआ चैनल चला रहे हो आप लोग? खबरदार, मेरे चैनल को बिका हुआ कहा तो। देश के मन में एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों गांधी भाई बहनों में से बेहतर नेता कौन सा लगता है? अभी आए हाय 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 हाय, अगर गलत किया है तो बताइए कि यूटर्न तो हमारी आदत है। 14 मिनट हो गए हैं, 14 मिनट जवाब नहीं दे पाए हैं। एक बार नाम ले लो संजय सिंह, दो सवाल, इन दोनों सवालों के जवाब दे दीजिए संजय सिंह। और मैं अरे अडानी का कितनी बार नाम लूं? गुलाम लोग, अडानी का कितनी बार नाम लूं? कितनी बार नाम लूं? अडानी के गुलाम लोग। की गुलामी तो आप कर रहे थे संजय सिंह, और अब खामोशी से अडानी के गुलाम नाम ले लो ना एक बार, और समीर के बारे में रहकर मुझसे बात कीजिए, समझे आप? आप सुनिए, आप समीर के बारे में लेकर बात कीजिए। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, मैं चैलेंज करती हूँ आपको, एकदम तमीज से बात कीजिए। आप मेरे सारे अकाउंट्स खंगा लिए, मैं चैलेंज करती हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रही हूँ संजय सिंह। माफी मांगनी पड़ेगी आपको मुझसे, माफी मांगनी पड़ेगी आपको मुझसे।
मैं कह रही हूँ आपसे, करवाइए जो आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना है, करवाइए। अगर किसी एक का पैसा नहीं दिया मैंने, माफी मांगनी पड़ेगी। गुलामों से मेरे ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाने से पहले 10 मरतबा सोचिएगा। देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का आईना। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।